दीवार को कवर कर लेती है। दीवार को इस पत्थर को बोलते हैं पेदरा और इस बेल को बोलते हैं येदरा। भाई ये मकान जो है ना, यहाँ पे 16 मकान बने थे 1575 में, तो ये उसी का एक वो है। देखो ये वाला मकान, ये कैथलूनिया का झंडा है ना, देखा ना आपने। इस घर का नाम है, घर के ऑनर का नाम है, जिसने बनाया था 1500 कुछ में, उसका नाम है ये। ये देखो ये तारीख दी है ना, ये 1577 में लगा रखी है, 1575। देखो मैं आपको जूम कर दूँ थोड़ा, उनने क्रॉस ही बना रखा है, ठीक है ना। और जो बनाने वाले व्यक्ति था ये, है ना। ये देखो ये पूरा है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, नीचे तहखाना भी है। सब अपनी मनोकामना लिख रहा है। भूत बंगला जैसे लग रहा है। देखो भाई है ना, लग रहा है भूत बंगला जैसे ना। है ना भाई, लग रहा है ना भूत बंगला जैसे। कैथलूनिया वालों का फ्लोर ये वहाँ से वो भाई। ये देखो छोटी सी नदी है ना, कैसी निशान लगाए रहते हैं। यहाँ 20 मीटर पर एक झरना है, इस तरफ एक झरना है, ग्रीन को फॉलो करना है, और ये रिटर्न का ग्रीन को फॉलो करना है ना। वो रोडों पे भाई अभी सूखी सूखी नदी में खड़े हैं समझो। यहाँ से जो है ना पानी का स्रोत ये यहाँ से चला आता है, ठीक है ना। ये पूरा पत्थर है पहाड़, ये सीधा नीचे गया है, ठीक भाई। अभी ये जंगल से मैं चल रहे हैं, बीच में पगडंडी है, पहाड़ है, जंगल है, चलते जा रहे हैं ना जाने। ऊपर देखो नल लगा रखा है, ये प्राकृतिक है। देख रहा हो, धूप भी नहीं आ रही अब तो है। सामने से कुछ लोग आ रहे हैं। ओला ओला बोला, भाई ये है यहाँ फाउंटेन, ये फाउंटेन है, और ये जो नदी गई थी ना वो स्रोत इसका ये है। ये नदी सूख चुकी है, सूख चुकी मतलब गर्मी पड़ रही ना, सूख गई है, तो ये है इसका स्रोत। हरे कृष्णा। ये मूरा से चल के हम जंगल के अंदर से पैदल पैदल आए, ये बारिश में है ना ये पूरा पानी से लबालब हो जाता है, इसे बोलते हैं फादर ऑफ बोर्क, है ना। तो ये ऊपर से ये पहाड़ों से ये बारिश होती है ना, तो वहाँ से पूरा पानी आता है गड़गड़ गड़गड़ करके, तो ये यहाँ पे पूरा भर जाता है और ये पूरी नदी नीचे तक जाती है ना। तो ऐसा है ये, अब तो भाई बारिश तो है नहीं यहाँ पे, है ना। ये
समझो ये चालू हो गया, स्प्रिंग है, स्प्रिंग खत्म होने वाला है ना उस, तो ये है इसके बाद गर्मी चालू हो जाएगी तो वैसे ही सूख जाता है। ये बारिश के समय का होता है, ये बहुत जम की पानी ऐसा पूरा एक देखने लायक दृश्य होता है।